पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से सिंध में हायर एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए सिंध भर की तरह सांगड़ में भी एक दर्जन से ज्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बिल्डिंग तमीर कर जिनमें संजोरो चक नंबर 22, चक नंबर 40, पेरूमल, कंडियारी, गणंग बंगलो, शाहपुर चाकर, टंडो आलम, शदादपुर और दीगर शहरों में हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से तमीर कराई गई जो 21 साल गुजरने के बावजूद भी पाल ना हो सके। इन हायर सेकेंडरी स्कूलों में ना ही टीचर तैनात हुए, ना ही फर्नीचर इनको फराम किया गया और ना ही ये अदारे फाल हो सके, मगर इन हायर सेकेंडरी स्कूल में हजारों तलबा बगैर स्कूल आए इम्तिहान देकर पास हो जाते हैं। HM गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दे 22 जमड़ाऊ, ये हमारा बहुत पुराना कदीमी स्कूल है। यहाँ ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर कैंपस भी है, प्राइमरी स्कूल भी साथ है। हमारे यहाँ पर तकरीबन 1315 बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं और तकरीबन 550 बच्चे हायर सेकेंडरी के हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल 2002 से शुरू हुआ था और हम वॉलेंटियर खुद चला रहे हैं इसको, और अब इसमें 550 बच्चे हैं। बिल्डिंग भी हमारी मंजूर होगी 2010 में, और यहाँ पर अब सिर्फ कोरोना की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, फर्नीचर की बहुत शार्टेज है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें फर्नीचर मुहैया किए जाए तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। यहाँ के बच्चे बहुत ज़हीन होशियार हैं, ये 4 UC पर मुश्तमिल स्कूल है। तो हमारी यही अपील है कि हमें फर्नीचर मुहैया किया जाए, और इसका स्टाफ अभी ऐसा नहीं हुई है, एक प्रिंसिपल 19वें ग्रेड की और 2 SS हैं, हमें वो दिए जाएँ ताकि हमें इसे प्रॉपर तरीके से बेहतरीन नमूने से हम इसको चला सकें। काफ़ी कुछ शयूँ आन छोकरन के दिलचस्पी ना है पढ़ाई से, कुछ उस्तादन जो भी मजबूरियन जैमें बार अचन ना, बार प्रॉपरली वालदेन बार पाबंद ना कन स्कूल में अचन जे जैसे कर कुछ हासिल ना कन। उस्ताद साहिबान के भी असि गुजारिश है तो बार पढ़ाओ, ये असाज मुस्तकबिल जो असासो मुस्तकबिल जहाँ मेहमार यही अगतली ऑफिसर थींदा, तो मेहरबानी करें बार भी तवज्जो कन असा उस्ताद भी। मेरी बात सुने, मेरा ताल्लुक है हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर चाकर में। हमारी क्लासेस बाकायदे होती हैं जो हम टीचर हैं 5 या 10 टीचर हैं, 6 असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी क्लासेस होती हैं। अच्छा, कुछ हायर सेकेंडरी ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे नहीं है, एक भी SS नहीं है, तो वहाँ तो मसला है बच्चों के साथ। वो आला अथार्टी का काम है, सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी है या हमारी आला अथार्टी है, वो सीटें तो वो प्रूव करेंगे ना, ना कंट्रोलर करेगा, ना चेयरमैन करेगा, ना एक्सटर्नल करेगा, ना इंटरनल करेगा। तो इंतजामी अमूर पे सर जी क्या इंतजामी अमूर का ये मसला? अब यह है कि जब स्कूल या कॉलेजेस नए बनते हैं या इनको अपग्रेड किया जाता है तो उनमें एक रेवेन्यू कंपोनेंट होता है और उनकी अपॉइंटमेंट होती है उनकी अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, लेक्चरर्स की। तो अब ये इसकी कमी है काफ़ी सालों से, तो अब उसकी के एजुकेशन अथॉरिटीज़ उस पर अभी लगे हुए हैं और उस पर काम हो रहा है। अब ये क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी शायद की थी और टीचर्स की भी भर्ती के लिए उनकी किया था, और ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा हाई लेवल पर। एक्चुअल में क्या है कि कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें मुतासर हैं, तो इस वजह से क्लासेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने कोर्स को जो सिलेबस को शार्ट किया हुआ था और बच्चों के लिए फैसिलिटेशन में जा रहे हैं कि बच्चे फैसिलिटेड हों। बाकी अगर बोर्ड के हवाले से जो शिकायतें तो मैं हूँ उनके साथ, बच्चों के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कोई शिकायत है तो इंशाल्लाह उनको फुल फोरी हल करेंगे। अगर कोई ऐसी चीटिंग की या कोई पेपर लीक होने की भी शिकायत मिली तो हम उस सेंटर को इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट करेंगे और आइंदा साल उसको सेंटर नहीं करेंगे। ज्योति समर की है, अगर पीपल्स पार्टी अपने जालों को माली मफादात के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट का आगाज़ करती है तो ये पीपल्स पार्टी का बेहतरीन इकदाम है। अगर तालीम को तबाह करना चाहती है तो भी ये बेहतरीन इकदाम है। अगर तालीम को फ़रोग देना चाहती है तो फौरी तौर पर इन अदारों को फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि सिंध में तलबा तालीम हासिल करने के बाद इम्तहान दें, न कि नकल से पास हो। कैमरा टीम के साथ इशफाक शुगर।